आइए दोस्तों, आज हम आपको इस जो हमारा 7.5 HP प्रीमियम मॉडल का जो वीडर है इसके ऊपर हम आपको स्प्रे पंप की अटैचमेंट लगा के स्प्रे पंप जो है इस पर अटैच करके दिखाएंगे कि कैसे इसके लगाया जाएगा इस पर। आप इस अटैचमेंट को लगाने के लिए हमें जो फेंडर है इसके खोल के हटा देने हैं। इस प्रकार से इस फेंडर को हटा देंगे। फेंडर हटाने के बाद जो है ये जो फेंडर की स्पोर्ट प्लेट थी इसको हटा दी जाएंगे। अब हम इसको हटा देंगे। अब ये जो अटैचमेंट है इसको हटाना है। इसे पिन लॉक पिन है ये निकाल लेनी है, ऊपर से बिग पिन निकाल लेंगे और इसे हटा देंगे। ये साफ जो आई है निकल गई। इसके ऊपर ये जो कवर है इसको खोलना है, इसको हटाना है। तो इसके लिए जो दो बोल्ट हैं इसको खोल के निकाल देंगे। अब हम इस शाफ्ट पे जो है ये जो बोल्ट लगा हुआ है इसको खोलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर ये कार्टर पिन लगी हुई है। इसके ऊपर हमें जो है इस प्रकार से एक पुली लगानी है जिस पर दो बेल्टें चढ़ती हैं। इस पुली को लगाने के लिए इसका जो कट बना हुआ है ये कार्टर पिन की सीध में रखेंगे। अब हम इसमें जो है एक बोल्ट लगाएंगे विद वार्सल, जिससे कि आपकी पुली जो है बाहर ना निकले। अब हम इसकी जो नीचे की ब्रैकेट है इसके ऊपर जो है हम इस अटैचमेंट को लगाएंगे स्प्रे पंप की। इस प्रकार से रखेंगे। हम इसमें जो है बोल्ट डाल के नीचे से नट लगा के कस देंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे होल में भी बोल्ट लगा के कस देंगे। ये जो आपको प्रेशर वाल्व होता है, प्रेशर है, प्रेशर इन बढ़ाना या घटाने के लिए जो है नोब दिया हुआ है उस पर कसेंगे। हम जो है जिस पे हमारी जो है पुली लगेगी इस पुली को यहाँ पे जो है एक कट बना हुआ है, यहाँ कार्टर पिन लगेगी। और इसमें जो है हमारा जो है इस प्रकार से ये जो व्हील है जिस पे आपकी बेल्ट चढ़ेगी इसको लगाएंगे इस पे। तो इसमें जो है पुली के लिए स्लॉट, कार्टर के लिए स्लॉट बना हुआ है, उसी सीध में हम इसको रखेंगे। इस प्रकार से अब हम इसे जो है कार्टर पिन डाल देंगे। कार्टर पिन डालने के बाद जो बोल्ट है इस बोल्ट में स्प्रिंग वार्सल और प्लेन वार्सल डाल के जो है इस पुली की जो इस शाफ्ट में जो है वो थ्रेड बनी हुई है इस थ्रेड में जो है इस बोल्ट को कस देंगे। इस पंप पे जो हमारा जो व्हील लग गया है ये व्हील वाला भाग जो है हमारा इस पूरी की शीध में रहेगा जिस पे कि आपकी बेल्ट लगी रहेगी। इसके होल हमें मिला लेने हैं। होल मिलाने के बाद हम इसमें जो है बोल्ट डाल के नीचे से वार्सल डाल के जो है नट हम कस देंगे। हम सेम इसी तरह से दूसरे होल में भी बोल्ट डाल के और वार्सल और नट को कस देंगे।
प्रकार से पंप को इस पे फिक्स करने के बाद हम बेल्ट लगाएंगे। अब ये देख रहे हैं बेल्ट अगर आपकी पूरी पहुंच नहीं पा रही है तो हमें क्या करना है, जो हमारे फ्रेम जो पंप के ये जो बोल्ट लगाए हैं इसको आप ढीला करके आप पंप को आगे पीछे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बेल्ट आसानी से आप इस पे चढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरी बेल्ट इस पे चढ़ाएंगे। इस प्रकार से हमें जो है इस बेल्ट को चढ़ाना है इस पे। इस प्रकार से हम दूसरी बेल्ट को भी पुल्ली पे चढ़ा लेंगे। बेल्ट पूरी तरीके से चढ़ जाने के बाद हमें जो है पंप को पीछे की तरफ खींच के सभी नट बेल्ट टाइट करके इसके नटों को कस देना है। इस प्रकार से हमारी जो है पंप की अटैचमेंट जो है वीडर पे फिक्स हो जाएगी। इस पंप में आपको जो है दो पाइपें मिलेंगी, ठीक है, जिसमें कि आपकी मेन पाइप रहेगी आपके पंप पे। ये जो पॉइंट है ये जो हमारा इससे मैच करके हमें इस पे कस देना है। इसके जो दूसरे सिरे पे जो है इस प्रकार से जो है इसमें चूड़ी बनी होगी, इसको आपको इस पे कस देना है स्पिनर को। ये आपकी मेन पाइप होगी, ये आपकी दूसरी पाइप है, ये हमारे जो ये जो आपका प्रेशर वाला चैम्बर के पास है प्रेशर नॉब, उसके पास जो है इसको लगाया जाएगा। आपके ये वाल तीन ही हैं, आप किसी भी एक वाल को खो में आप जो है अपना प्रेशर पाइप लगा सकते हैं। इस पंप पे जो है ये ऊपर की ओर जो है एक कैप दे रखी है, इसमें से इसको खोल के यहाँ से आपको जो है इसके अंदर इंजन ऑयल फिल करना है। और जो है इसके लिए ये जो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट जो है गेज दे रखा है, जिसमें कि आपका लेवल जो है शो करेगा, जो आपको इस लेवल तक का जो है ऑयल इसमें फिलअप कर देना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से जो है वीडर पे आप स्प्रे पंप अटैच कर सकते हैं घर पे आसानी से। तो आपको जो है स्प्रे पंप इस पे वीडर को स्टार्ट करके चेक करके दिखाते हैं जो